आज हम क्लास 11th फिजिक्स के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम खासकर ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें किस तरह का फिजिकल चेंजेस आता है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसीलिए हम सिर्फ ये देखेंगे इस वीडियो में कि इस पूरे चैप्टर में हम किस तरह के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है जिस कंटेनर में पानी रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसे गर्म करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक ओवन ऑन करेंगे और फिर इस कंटेनर को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब इसमें टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा, क्या ये गर्म हो भी रहा या नहीं, किस रेट से गर्म हो रहा, इसे देखने के लिए आपने यहां पर एक थर्मोमीटर डिप कर दिया। कुछ देर बाद आप ये पाएंगे कि थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। सो हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर जो है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। हीट प्रोवाइड करने पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा टेम्परेचर एंड हीट। यहां पर हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहां से हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट कितने मोड्स में ट्रांसफर्ड हो सकता है, किस किस तरीके से ट्रांसफर्ड हो सकता है, इसके लिए भी हमारा एक टॉपिक होगा जो कि होगा हीट ट्रांसफर। इस टॉपिक में हम खासकर ये देखेंगे कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में किस तरह से अलग अलग तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, और साथ ही साथ अगर कोई मीडियम ना रहे, वैक्यूम रहे, तो वहां पर किस तरीके से, किस मोड में हीट का ट्रांसफर होता है। अब इसे आप और गर्म करें और गर्म करें, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये, चूंकि ये पानी है, प्योर वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बॉयल होता है। तो अब आप देखेंगे इसमें जो है बॉयलिंग शुरू हो गया और पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर स्टेट में ये जो सब्सटेंस है जो कि लिक्विड स्टेट में था, उसे गर्म करने से उसके स्टेट में चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में भी हम एक टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप बर्फ का टुकड़ा लेते हैं जो कि सॉलिड है, उसमें अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ देर बाद वो पिघल जाएगा, पिघल के पानी हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हीट प्रोवाइड किया गया। अब उसे आप गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, पानी फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेट में चेंज होता है सब्सटेंस का जब उसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि हमने बात किया कि पानी जो है प्योर वाटर, ये 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। लेकिन रुकिए, जब हमें बुखार आता है तो हम उसे थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि 100 डिग्री बुखार है उसे। तो 100 डिग्री बुखार मतलब क्या उसका बॉडी टेम्परेचर उबलता हुआ पानी के टेम्परेचर के बराबर हो गया, उतना गर्म हो गया बॉडी? नहीं। दरअसल जब हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम एक दूसरे ही स्केल को यूज करते हैं। यहां पर 100 डिग्री का मतलब होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि 100 मिलीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर नहीं है, 100 इंचेस 100 मीटर के बराबर नहीं है, 100 पाउंड 100 किलोग्राम के बराबर नहीं है, उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं है। टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ इस तरह के अलग अलग जो स्केल्स है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इनके बीच रिलेशन कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के टॉपिक में। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम इस ओवन को कर देते हैं बंद। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करने लगेगा, कम होते जाएगा। तो ये जो है ये किस रेट से ठंडा हो रहा है, इसके बारे में जाके हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। और अगर ये ठंडा होते जाए होते जाए होते जाए,
इसके अंदर का जितना भी हीट एनर्जी है somehow अगर वो बाहर चला जाता है, निकल जाता है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टॉपिक पे। लेकिन हीट प्रोवाइड करने से सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट या फिर टेम्परेचर में चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। इस ओवन को हमने ऑन कर दिया और इसके ऊपर हमने एक बार रख दिया, एक सॉलिड बॉडी हमने यहां पर रख दिया। इसे गर्म करने पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है, वो ये कि इसका डायमेंशन में होता है चेंज, ये बड़ा हो जाता है। इस बारे में हम जाके पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन में। उसी तरह से इस पूरे चैप्टर में हम और भी बहुत सारे चीजों को कवर करेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कैलोरीमेट्री क्या है और लेटेंट हीट क्या होता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो होगा उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।